दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर अगर आप मनीषा रानी और फुकरा इंसान के फैंस हैं तो ये खबर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको निराश जरूर कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों घर के अंदर चल रहे टास्क के दौरान दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई के बाद अब कहीं ना कहीं मनीषा रानी जो है वो फुकरा इंसान से काफ़ी ज़्यादा नाराज हो चुकी है। हाल ही में दोस्तों दूसरे राउंड के बाद में फुकरा इंसान अविनाश के साथ गार्डन एरिया में बात कर रहे थे और इसी दौरान मनीषा रानी पास में से निकल रही थी और फुकरा इंसान ने मनीषा को रोकने की कोशिश की और कहा बात तो सुन तू मेरी, लेकिन मनीषा ने फुकरा को इग्नोर करते हुए आगे चली गई। इसके बाद फुकरा इंसान मनीषा रानी के पीछे पीछे गए और उससे बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मनीषा ने बात नहीं सुनी। वहीं इसके बाद किचन एरिया में मनीषा रानी गई तो वहाँ पर पीछे पीछे फुकरा इंसान आ गया और कहा बात तो सुन, हुआ क्या है, तो सुन तो सही मेरी बात। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मनीषा सुनने को तैयार नहीं थी। मनीषा ने कह दिया कि अभी हमारा माथा गर्म है तो अभी हमसे मत बोल, फालतू गुस्से में कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फुकरा इंसान ने वॉशरूम एरिया में जा रही थी मनीषा रानी जब अपना सामान लेने के लिए, तो वहाँ भी उनके पीछे पीछे मनाने के लिए गए, लेकिन मनीषा रानी यहाँ पर फुकरा इंसान की बातों को सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो घर के अंदर कहीं ना कहीं इस टास्क के दौरान फुकरा इंसान की बातों के कारण यहाँ पर मनीषा रानी काफ़ी हर्ट हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके रिश्ते पर कोई असर पड़ सकता है। फिलहाल तो हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा कभी ना हो, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ गेम के अंत तक दोस्त बने रहें। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इनके बीच में सुलह हो पाएगी, आपस में मान जाएंगे या फिर इनकी दोस्ती में अब दरार आने की चांस है? अपनी राय आप हमें कॉमेंट करके बताइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।